मैंने शाम को पार्टी रखी और मेरे गेस्ट स्पेशली दिल्ली से आ रहे हैं मुझसे और मेरे हस्बैंड से मिले। बेबी प्लीज आज ना एकदम अच्छे से रेडी हो ना। वैसे तो तुम हमेशा हैंडसम ही दिखते हो, पर आज खास दिन है ना और हम दोनों को परफेक्ट दिखना है, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े निकाल के रखूंगी। ओके, इस प्लान के बारे में तो पहले बताया नहीं इसने मुझे। खैर, प्लान तो अच्छा है। क्या पागल है ये? हाँ, सुबह सुबह पी के आई है। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम्हारी स्टूपिड पार्टी में और तुम्हारे वो बेवकूफ दोस्तों में। पैसे बचाओ, वापस भेजो उन्हें। और किस हक से तुमने यहाँ पे पार्टी रखने का डिसाइड किया? मेरा घर है। डैड, क्या हो रहा है? मॉम, पार्टी रख रही है मैडम हमारे घर में, कुछ बोलेंगी नहीं आप? प्रियंका, ये पार्टी रखने से पहले मुझसे तुमने पूछा क्यों नहीं? मम्मी जी, मैंने सोचा कि मैं सबको सरप्राइज दे दूं। वैसे भी मेरी वजह से सोसाइटी में आप सबका कितना मजाक बना और विराट पे इतने इल्जाम लगे, तो मैंने सोचा कि ये पार्टी रख के सबका मुंह बंद कर दूं। और वैसे भी जब लोग पार्टी में आएंगे तब देख ही लेंगे ना कि मैं और विराट अभी तक साथ में और हम सब एक फैमिली है। और मम्मी जी, मैंने तो आपके क्लब के फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है, अगर अभी मैं बोलूंगी कि मैंने पार्टी कैंसिल कर दी है तो लोग वापस गॉसिप कर देंगे। पर अगर आपको चाहिए कि मैं ये पार्टी कैंसिल करूं तो मैं कर दूंगी, नो इश्यूज। हाँ, कैंसिल करो पार्टी। अब नहीं नहीं, पार्टी नहीं कैंसिल हो सकती। अरे, तुमने मेरे क्लब के फ्रेंड्स को बुलाया है, उन्हें मना करूंगी तो बातें बनाएंगे। नहीं, पार्टी तो रखनी ही पड़ेगी अब। पक्का ना मम्मी जी? हाँ, थैंक यू मम्मी जी। अरे, तुम अभी से ही जा रहे हो? अच्छा हाँ, चले जाओ। वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे कोई काम है ही नहीं और कोई जरूरत भी नहीं है, तो तुम जाओ। बहुत एक्साइटेड हो ना तुम इस पार्टी के लिए? देखते हैं ये पार्टी कितनी एक्साइटिंग होती है। श्रीखंड खा लीजिए शुगर से। जितना ड्रामा करना है कर लो अमृता, आज सबके सामने विराट की बीवी होने का टैग तो मुझे ही मिलेगा।